विवेकानंद अपने गुरु से विशेष लगाव रखते थे। जब उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस की मृत्यु हुई के पश्चात उन्होंने अपने गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने, उनकी शिक्षा, उनके आदर्शों को जन जन तक पहुंचाने का संकल्प लिया और विदेश जाने का निश्चय किया। वह आशीर्वाद और विदाई लेने अपनी माँ के पास पहुंचे। माँ को अपने गुरु के उद्देश्यों के बारे में बताया। माँ ने अपने पुत्र को तत्काल आदेश नहीं दिया। वह दुविधा में थी कि वह पुत्र को विदेश जाने का आदेश दे या न दे। वह चुपचाप अपने कार्यों में लग गई। जब वह सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी तब उन्होंने विवेकानंद से चाकू मांगा। विवेकानंद उस चाकू को लेकर आते हैं और माँ को बड़े ही सावधानी से देते हैं। माँ उनके इस प्रहार से अति प्रसन्न होती हैं और मुस्कुराती हुई आशीर्वाद के साथ उनके गुरु के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए कहती हैं। विवेकानंद जी को आश्चर्य होता है। वह उनकी प्रसन्नता इस कृत्य पर प्रश्न करते हैं, आखिर उन्होंने पुत्र को विदेश भेजने के लिए कैसे निश्चय किया। तब उनकी माँ ने बताया, तुमने मुझे इस प्रकार से चाकू दिया कि धार तुमने अपनी ओर की और उसका हत्था मेरी ओर किया। इससे यह निश्चय होता है कि तुम अपने स्वयं कष्ट सहकर दूसरों की भलाई की सोचते हो। तुम किसी का अहित नहीं कर सकते हो। तुम अपने गुरु के कार्यों को कठिनाई सहकर भी आगे बढ़ा सकते हो। माँ की इस परीक्षा के आगे स्वामी विवेकानंद नतमस्तक हो गए।